नमस्कार, मैं शैलेश चौहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज। आज के मुख्य समाचार। इंदौर के NCB के जोनल निर्देशक ब्रिजेंद्र चौधरी को मुंबई का अतिरिक्त प्रभार। मुंबई के थाने के चिम्बा पाण आश्रम में 28 छात्रों और कर्मचारी समेत 30 लोग कोरोना पॉजिटिव। एप्पल ने रचा नया इतिहास, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी। यमुना अथॉरिटी ने कोरोना काल में अपनी आमदनी 170% बढ़ाई। कानपुर जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन से DRI ने 2.5 घंटे की पूछताछ की। इत्र कारोबारी और सपा MLC पुष्पराज जैन से दिन भर पूछताछ के बाद टीम कन्नौज रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मणिपुर का दौरा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार कोविड की समीक्षा के लिए आज करेंगे बैठक। UP में असरुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद में करेंगे रैली। वाइस एडमिरल SH शर्मा का ओडिशा के भुवनेश्वर में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के फिरोजपुर में करेंगे रैली। PM मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। पटना में अनियंत्रित हाईवे ने पुलिस जीप को मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 घायल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव। यूपी में 4 IPS अधिकारियों का तबादला। प्रयागराज नए ACP बनाए गए, अजय कुमार। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,369 केस मिले। एक्टिव केस बढ़कर 1.71 लाख पहुँचे। नई दिल्ली में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली किट ओमिशोर को मिली मंजूरी। लखनऊ में NCR के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। गाजियाबाद में फिल्म कोर्ट के डायरेक्टर एरिया मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर आज से नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली एम्स ने रद्द की बची हुई सर्दियों की छुट्टी, स्टाफ से जल्दी ड्यूटी करने को कहा। बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर 7 IT रेड। बिल्डर अजय चौधरी के 7 ठिकानों पर IT रेड, नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी छापे। कोलकाता के बाबुल सुप्रिया कोरोना पॉजिटिव। पत्नी और पति समेत कई स्टाफ संक्रमित। स्कूल में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में मुसलमान छात्रों को भाग नहीं लेना चाहिए, बोले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे की कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना दिल्ली में लगेगा नाइट कर्फ्यू, बढ़ते केस को लेकर लिया गया फैसला। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना को लेकर वीकेंड कर्फ्यू पर आज हो सकता है निर्णय। बढ़ते केस को नियंत्रण करने के लिए सरकार चिंतित, बोले मनीष सिसोदिया। जरूरी काम वाले दफ्तरों को छोड़ सभी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड पर, बोले मनीष सिसोदिया। बस और मेट्रो स्टेशन के सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा था, बिना मास्क के यात्रा नहीं, बोले मनीष सिसोदिया। मेट्रो और बसें फुल कैपेसिटी से चलेगी, लेकिन बिना मास्क यात्रा की अनुमति नहीं होगी, बोले मनीष सिसोदिया। IIT खड़गपुर के 40 छात्र समेत 60 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सूत्रों के हवालों से खबर, मान हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। नोएडा में दर्ज किए गए 140 नए मामले, कुल एक्टिव केस हुए 589। आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए, धन्यवाद।